अभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ है। प्रभु श्री राम से युद्ध करने के पूर्व उनके सेवक से तो निपट लो। तुच्छवानर, तुमसे तो युद्ध कर चुका हूं मैं। तुम शक्तिशाली अवश्य हो, परंतु तुम इतने सक्षम नहीं कि तुम कुंभकर्ण के साथ युद्ध कर सको। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस तुच्छ वानर को पराजित किए बिना प्रभु श्री राम तक पहुंचना असंभव है कुंभकर्ण। क्या हुआ कुंभकर्ण? अपने विशालकाय आकार का लाभ उठाकर तुम मुझसे तो आगे बढ़ गए, परंतु अब अपने समान आकार वाले महायोद्धा से सामना हुआ तो भयभीत हो गए क्या? वानर, तुझमें अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है, परंतु तेरी ये मायावी शक्तियां कुंभकर्ण को परास्त नहीं कर पाएंगे। पर्वत के समान अटल अचल है प्रभु श्री राम का ये भक्त। उसे धर्म और भक्ति पथ से हिलाना असंभव है कुंभकर्ण। हिलाऊंगा ही नहीं वानर, मिटाऊंगा भी। अपनी इस मायावी शक्ति से मुझे राम के समीप जाने से रोक तो सकते हो, परंतु अपनी इस वानर सेना को मेरे पग के नीचे आने से किस प्रकार बचाओगे? रुक जाओ हनुमान। हनुमान, वो मुझसे युद्ध करना चाहता है, आने दो उसे। उसके लिए मेरे तुनीर में एक बाण कल से प्रतीक्षा कर रहा है। ये कैसा शत्रु है जिसे देखकर उसके दिव्य पुरुष होने का आभास हो रहा है मुझे? आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है वो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा का पालन करे। जो कोई भी है ये, इसका और इसके सहयोगियों का वध कर अग्रज लंकेश की इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। दुविधा में डाल दिया है भ्राता रावण ने अपने भ्राता कुंभकर्ण के प्राणों की सुरक्षा की प्रार्थना भी नहीं कर सकता। बस संतुष्टि है तो केवल एक बात की, कि जो कुछ भी होगा वो प्रभु श्री राम के हाथों से होगा। कुंभकर्ण, अब जब तुमने स्पष्ट कर ही दिया है कि तुम अधर्म का साथ नहीं त्यागोगे, तो मैं अपना रुद्रास्त्र चलाकर तुम्हारे रुद्र रूप को शांत करने पर बाध्य हूं। इससे पूर्व कि तुम्हारा बाण मुझ तक पहुंचे वनवासी, मेरा ये लौह अस्त्र
पृथ्वी को दो खंडों में विभाजित कर देगा। और तू और तेरी संपूर्ण वानर सेना उसमें समा जाएगी। सत्य है, दो भागों में बांट सकता है कुंभकर्ण पृथ्वी को। कुंभकरण, तुम्हें आज विजय हो नहीं होगा, तुम्हें आज विजय हो नहीं होगा, तुम्हें आज विजय हो नहीं होगा। जिस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण जितने पग बढ़ाएगा उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा। साहस है इस असुर में, इसके दोनों हाथ पांव कट गए हैं फिर भी युद्ध करना चाहता है। ये युद्ध करने के लिए नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाने के लिए लालायित है।
इतना अभागा हूं मैं कि जब आपके दर्शन हुए तो आपको प्रणाम करने हेतु मेरे पास हाथ भी नहीं है। मेरी इन पलकों से मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। मेरा ये प्रणाम स्वीकार कीजिए नारायण। प्रभु की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय का उद्घोष है ये। नहीं नहीं, असंभव असंभव है ये, कदापि नहीं हो सकता ऐसा। भ्राता, दुर्भाग्य से यही हुआ है, यही सत्य है। भ्राता कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बावले हो गए हो तुम। पुनः एक बार और ऐसा कहा, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। कोई भूल हुई है तुमसे? हाँ, अवश्य कोई भूल हुई है तुमसे। तुम उचित प्रकार से देख नहीं पाए, वो नर और वानर मेरे भाई कुंभकर्ण को पराजित कर सके, जिसे इंद्र भी पराजित नहीं कर सका, वो नर और वानर पराजित नहीं कर सकते। असंभव है ये। ये कोई विभीषण का छल तो नहीं? मैं स्वयं जाऊंगा वहां। भ्राता, वानर इस समय बहुत उत्साहित हैं। यदि आप अकेले वहां गए तो कहीं कोई और अनिष्ट ना हो जाए। जैसे शक्तिशाली राक्षस के अंत ने हमारी सेना का मनोबल बहुत बढ़ा दिया है। हाँ हनुमान, बहुत बड़ी विजय है ये हम सबकी। प्रातः कुंभकर्ण, प्रातः श्री, ये दृश्य देखकर
चुके थे उतने ही निकट प्रभु श्री राम के भी थे। आप श्री राम के साथ धर्म का पक्ष चुन लेते तो आज ये सब नहीं होता। संतोष है तो केवल इस बात का, प्रभु श्री राम के हाथों आपका अंत होने के कारण आप परम गति को प्राप्त होंगे। कुंभकर्ण अतुलित बल का स्वामी था, महाज्ञानी एवं भ्रातृ धर्म का पालक था। ऐसे योद्धाओं के मृत देह को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। इनका अंतिम संस्कार विधिवत रूप से होना आवश्यक है। किंतु रावण का क्या भरोसा? हो सकता है अनेक मृत दानवों की भांति कुंभकर्ण की देह को भी समुद्र में विसर्जित करवा दे। सत्य कहा तुमने हनुमान, कुंभकर्ण स्वयं पापी नहीं था, किंतु रावण जैसे पापी का साथ देने के कारण वह स्वयं महापाप का भागी बना। अन्य राक्षसों के मृत देह की भांति कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा के मृत देह का कदापि अपमान नहीं होना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, विभीषण जी के संतप्त हृदय को इससे शांति प्राप्त होगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंभकर्ण के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करूं। हाँ हनुमान, किंतु इस कार्य पर प्रथम अधिकार कुंभकर्ण के भ्राता रावण एवं उसके परिवार का होगा। हाँ, यदि वो ये नहीं करते तो हम सब पूर्ण सम्मान के साथ कुंभकर्ण का अंत्य संस्कार करेंगे। किसी के आने का आभास हो रहा है। देखिए, प्रतीत हो रहा है कि रावण ने रात्रि के अंधकार में गुप्त रूप से किसी को आक्रमण के लिए भेजा है। राक्षस आक्रमण करने के लिए दिन या रात नहीं देखते। ये हमें कुछ क्षति पहुंचाए इसके पूर्व ही हमें इस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ये कौन हो सकता है? इसकी देह और इसकी चाल से तो प्रतीत होता है कि यह स्वयं रावण है। कदाचित यह कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में तथ्य जानने के लिए आया है। यह भी तो हो सकता है हनुमान जी कि कुंभकर्ण की मृत्यु से विक्षिप्त होकर यह हम पर आक्रमण करने के लिए आया हो। किंतु वहां विभीषण जी एकाकी हैं। कुंभकर्ण की शीश देखकर क्रोध में कहीं रावण उन पर आक्रमण न कर बैठे। धर्म पथ पर चलने वाले योद्धा शत्रु के साथ भी धर्मोचित व्यवहार करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।